नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सुप्रभात राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और चलिए आज की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। और आज खास दिन है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन है। देश भर में और दुनिया भर में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की चर्चाएं हैं और पीएम के जन्मदिन के मौके पर देश भर में खास आयोजन किए जा रहे हैं। पीएम के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा के रूप में बीजेपी आज इसको मनाएगी। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी श्रमदान करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अलग अलग कार्यक्रमों में भाग भी लेंगे। घर घर सदस्यता अब महाअभियान को लेकर जनसंपर्क भी किया जाएगा। तो मानसरोवर इलाके में पत्रकार कॉलोनी रोड के आसपास के क्षेत्र में जनसंपर्क किया जाएगा। सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री गोविंद देव जी मंदिर जाएंगे, जहां पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे और गोविंद देव जी मंदिर से तुलसी पौधों का वितरण भी करेंगे। मुख्यालय भी सीएम भजनलाल शर्मा जाएंगे। करीब 10:45 पर प्रधानमंत्री मोदी की जीवनी पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। सीएम के दिन भर का जो कार्यक्रम आ गया है और इसके मुताबिक सीधे स्टेचू सर्किल, इसके बाद मुख्यमंत्री जाएंगे जहां पर बिड़ला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन है। रोजगार उत्सव, स्वच्छता ही सेवा, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम जिसमें सीएम शिरकत करेंगे। और अब बात दिल्ली से बड़ी खबर की, जहां आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे और आज केजरीवाल एलजी के बीच बैठक भी होगी। तो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के एलजी के बीच में बैठक होनी है। शाम को 4:30 एलजी से मुलाकात करेंगे अरविंद केजरीवाल। तय कार्यक्रम के मुताबिक ये प्रस्तावित कार्यक्रम और आज ही दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होना है, क्योंकि सीएम पद से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर लगातार चर्चाएं और आज वो दिन है जब मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते हुए अरविंद केजरीवाल आज इस्तीफा देंगे। जेल से बाहर आए और सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी के विधायक दल की एक बैठक होनी है। विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। तो दिन भर हमारी नजर होगी कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री आखिरकार कौन होगा, विस्तार से हम आपको बताएंगे। और इसी बीच टोंक के इलाके से बड़ी खबर है, जहां पर बाइक सवार युवक की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ है। दरअसल जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर मोटुगा के पास में एक शव मिला। परिजनों के साथ ग्रामीणों का सादत अस्पताल में इसे लेकर के हंगामा देखने को मिला है। अस्पताल में परिजनों और ग्रामीणों की भारी भीड़ भी जुट गई है। ग्रामीण पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी करते हुए दिखाई पड़े। परिजन और ग्रामीण लगातार हत्या का आरोप लगा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि जो भी इसमें गुनाहगार है उसको जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। अस्पताल में भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है ताकि माहौल शांत रह सके। टोंक के सादत अस्पताल की देर रात की तस्वीरें हैं, जहां पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए और आज अल सुबह भी लोगों का आना भी लगातार जारी है। अस्पताल में परिजनों ग्रामीणों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर मोटुका के पास में एक शव मिलने के मामले को लेकर के अब परिजन आक्रोशित हैं। सादत अस्पताल में लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। हंगामा परिजनों की तरफ से किया गया, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर मोटुका के पास शव मिलने के मामले को लेकर के परिजनों का आक्रोश फूटा है। सादत अस्पताल में परिजनों के साथ अन्य लोग भी इकट्ठा हो गए और देर रात से ही लोगों का जुटना यहां पर शुरू हो गया था। और अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश की भजनलाल सरकार से इस्तीफा दे चुके किरोड़ी लाल मीणा पर चुटकी लेते हुए उन्हें अपना साढ़ू बताया है। और इसका डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया है। वो जवाब क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। किरोड़ी लाल पर डोटासरा का पलटवार। जापान जा रहे हैं, कोरिया जा रहे हैं। अरे जापान और कोरिया ने कहीं संभाला, एक किरोड़ी को नहीं संभाला। कहां गया प्रदेश और जनता से सरोकार? समान उद्देश्य के लिए मिले साधु का साथ। और आज तो मैंने मीडिया को कह दिया, मेरे भाइयों, मैं क्यों भाई किरोड़ी जी मीणा साहब गोविंद डोटासरा का काल से साधु हो गया है। मिलकर करेंगे सरकार का तख्ता पलट। साडू ही लिए बने हूं कि किरोड़ी जी भी अच्छा वे क्या दिल्ली से जिसकी पर्ची सरकार है की पर्ची पलटनी चाहिए। आज
एक मंत्री कैबिनेट का मंत्री रोजाना चिट्ठियां लिख रहा है। आज राज्य मंत्री जवाहर बेडम सिंह से मिलने के लिए किरोड़ी जी गए कि ये मुकदमे दर्ज करो। अरे भाई, आप मंत्री हो किरोड़ी लाल जी, आपने मंत्री पद की जब शपथ ली थी, संविधान की शपथ ली थी, तब आपने कहा था कि श्रद्धा पूर्वक और कर्तव्य निष्ठा के साथ मैं संविधान की शपथ लेता हूं कि मैं काम करूंगा इस प्रदेश के लिए, लोगों के लिए काम करूंगा, और आज वो लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। 15 सितंबर को जब राजधानी जयपुर में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से मुलाकात कर उन्हें DOITC में हुए फर्जीवाड़े की जांच का ज्ञापन सौंप रहे थे, तभी बीकानेर के डोंगरगढ़ में PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा डॉक्टर किरोड़ी की निष्ठा पर सवाल उठा रहे थे। जापान जा रहे हैं, कोरिया जा रहे हैं, जापान और कोरिया ने कहीं संभलेगा, एक किरोड़ी को नहीं संभला, एक किरोड़ी नहीं संभल रहा है। 15 सितंबर को गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की तरह वे भी यही चाहते हैं कि जो किसान का काम नहीं कर सकते, दलित पिछड़ों के खिलाफ हो रहे अपराध को रोक नहीं सकते, नौजवानों को नौकरी नहीं दे सकते, उनकी सरकार बदलनी चाहिए, इस समानता की वजह से ही दोनों साडू हो गए हैं। आज तो मैंने मीडिया को कह दिया, मेरे भाइयों, मैं क्यों भाई, किरोड़ी जी मीणा साहब गोविंद डोटासरा का काल से साडू हो गया है। और पूछो साडू किया, साडू को मतलब तो समझो ही होगे, हैं? साडू को मतलब तो समझो ही होगे, गोलमा देवी जी और सुनीता डोटासरा ने दोनों ने मैं भाण बना दी, मैं ये बन जाओ, और साडू ही लिए बने हूं कि किरोड़ी जी भी अच्छा वे क्या दिल्ली से जगी पर्ची सरकार है की पर्ची पलटनी चाहिए। तो 16 सितंबर को एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से जब गोविंद सिंह डोटासरा के साधु वाले बयान के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब बेहद दिलचस्प था। बात है, साधु बन जाए तो हमें क्या दिक्कत है, कोई और भी साधु थोड़ा गुजर भी बना ले तो जोरदार बन जाएगा। की बात है, साधु बन जाए तो हमें क्या दिक्कत है, कोई और भी साधु थोड़ा गुजर भी बना ले तो जोरदार बन जाएगा। जानकार मानते हैं कि कांग्रेस डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जैसे जमीनी स्तर के नेता को अपने पाले में लाकर सूबे की सरकार के लिए परेशानी खड़े करना चाहती है। शायद इसी मकसद से डोटासरा ने डॉक्टर किरोड़ी से प्रदेश की सरकार को पलटने में उनकी मदद मांगी होगी, जिससे डॉक्टर किरोड़ी ने बड़ी ही सफाई से झटक दिया। सचमुच डॉक्टर किरोड़ी के बारे में किसी तरह का कोई कयास नहीं लगाया जा सकता। डॉक्टर किरोड़ी लाल विधानसभा चुनाव में फिर BJP के लिए पसीना बहाने की बात करते हों, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ डॉक्टर किरोड़ी के प्रहार को सियासत के जानकार भजन लाल सरकार पर दबाव की रणनीति मानते हैं। ठीक उसी तरह जैसे सचिन पायलट कभी अपनी नित नई मांगों के जरिए गहलोत सरकार पर दबाव बनाते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और इसी बीच बीकानेर के श्री डोंगरगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पैदल जा रही यात्रियों को कार ने कुचल दिया है। इस दुर्घटना में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत होने की खबर है और एक की हालत गंभीर होने पर उसे ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। कांकड़ भैरव जी मंदिर के पहले यह हादसा घटित हुआ, सीधे तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से जहां पर पैदल जा रहे यात्रियों को कार ने रौंदा है, श्री डूंगरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। पैदल डूंगरगढ़ से पैदल तोलियासर जा रही में जो महिला श्रद्धालु थी उसको कार ने कुचला है। बड़ी खबर आपको बता, 2 महिलाओं की मौके पर मौत हुई है, कुछ घायल हैं जिनको फौरन अस्पताल शिफ्ट किया गया जहां पर उनका इलाज जारी है। इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर कार का आगे का हिस्सा आप देख सकते हैं पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भीषण यह एक्सीडेंट था और तेज रफ्तार ने 2 महिलाओं की जान ले ली। दरअसल जानकारी के मुताबिक यात्री जो पैदल जा रहे थे, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं, उन पर
गाड़ी चढ़ी है और गाड़ी ने उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ गई, हालांकि दोनों महिलाओं की मौत हो गई है। और कोटा शहर की इस साल आपत्तिजनक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। बारा वफाद के जुलूस के दौरान तिरंगे झंडे से छेड़छाड़ कर इसमें चांद तारों के प्रतीक लगाने की घटना सामने आई है। यह कृत्य न सिर्फ राष्ट्र ध्वज का अपमान है बल्कि देश की एकता और अखंडता पर भी गंभीर आघात है। रिपोर्ट देखिए। तिरंगे से खिलवाड़ नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राष्ट्रीय ध्वज से छेड़छाड़, नाबालिग ठहराया जिम्मेवार। ईद के जुलूस किसकी करतूत। तिरंगे का अपमान किसकी साजिश। तस्वीरों में तिरंगे के साथ छेड़छाड़ साफ नजर आ रही है। ये तस्वीरें देश की एकता और अखंडता पर आघात कर रही हैं। ये तस्वीरें ईद के जुलूस की हैं, जिसने राष्ट्रीय सम्मान को ठेस पहुंचाई है। जुलूस में इस शर्मनाक कृत्य के बाद अनंतपुरा थाने के बाहर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और देर शाम तक प्रदर्शन जारी रहा। इस मौके पर विधायक संदीप शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की मांग की, हालांकि देर रात प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। पुलिस की ओर से एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया और आपत्तिजनक झंडा जब्त कर लिया गया, लेकिन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने कार्रवाई नहीं होने पर और बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी है। जिस राष्ट्र के लिए हजारों सैनिक कुर्बान हो गए, जिस भारत माँ के लिए हमारे भारत माँ के सपूतों ने अपनी बलिदान कर दिया, अवसर कर दिया, न्यौछावर कर दिया, और इस तरीके से ऊंची घटना वास्तव में दिल को दहलाने वाली है, दुखी कर देने वाली है, और इसमें प्रशासन को प्रतिज्ञान ले, ये मांग हमारे भजन दल के कार्यकर्ताओं की है, विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं की है। मेरा मानना है कि ऐसी घटना बहुत गंभीर है, क्योंकि भारत माँ के उस तिरंगे को लहराने के लिए जहाँ कई जवान अपनी जान दे देते हैं, सीमा पर उस झंडे को लहराने के लिए, सीधा खड़ा करने के लिए अपने शरीरों पर गोलियां खा लेते हैं, ऐसे झंडे का इतना बड़ा अपमान, निश्चित रूप से ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। पुलिस ने सुबह 9 बजे तक कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर न्याय नहीं मिला तो अगले दिन अनंत चतुर्दशी के जुलूस के साथ प्रदर्शन होगा। वहीं इस मामले पर मदन दिलावर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह घटना देश के खिलाफ साजिश है, तिरंगे के सम्मान को हम कभी ठेस नहीं पहुंचने देंगे। उन्होंने कोटा रेंज के आईजी से बात करते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आश्वासन दिया है। यह मामला सिर्फ एक शहर का नहीं, बिहार के सारण से भी ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई, जिसका लोगों ने पुरजोर विरोध किया है। वहीं कोटा में जो हुआ वह एक गहरी साजिश का हिस्सा हो सकता है। अब नजरें सुबह 9 बजे पर है, जब पुलिस की कार्रवाई का परिणाम सामने आएगा। देखना होगा कि कोटा पुलिस इस संवेदनशील मामले में कितनी त्वरित और कठोर कार्रवाई करती है। कोटा से हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो वहीं बारा में ईद मिलाद जुलूस के दौरान बड़ा बवाल हुआ। जुलूस के दौरान पुलिस और मुस्लिम समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। जब पुलिस की ओर से कठोरता दिखाई गई तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई।
बारा में बड़ा बवाल, जुलूस के दौरान हंगामा, पुलिस ने कराया मामला शांत। बारा जिले में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान हंगामा हो गया। यहां जुलूस में शामिल लोग और पुलिस आमने सामने हो गए। दरअसल ये हंगामा जुलूस के मार्ग को बदलने को लेकर हुआ। आरोप है कि कुछ लोग तय मार्ग से हटकर जुलूस को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से बवाल हुआ। खास खास लोगों ने, मुख्य मुख्य लोगों ने मीटिंग करके सलाह करी कि इधर होके जाते हैं तो वक्त लगता है, टाइम लगता है, इस वजह से अगर अपन सीधा निकले तो जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन ये शायद मेरे ख्याल से कुछ नौजवान लोगों को नागवर गुजरा या शायद उन्हें मालूम नहीं था, इसलिए समझाइश करने की कोशिश की और उन्हें ये लगा कि हमारा रास्ता चेंज कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें प्रशासन, पुलिस प्रशासन या किसी का कोई दबाव नहीं था, बल्कि कमेटी के लोगों ने, संस्था के लोगों ने ये रूट तय किया था। ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद माहौल को संभाला है। फिलहाल हालात काबू में हैं। एसपी राजकुमार चौधरी का कहना है कि जुलूस में से कुछ लोग तय मार्ग के अलावा दूसरे मार्ग पर जाने पर अड़े हुए थे, जिन्हें सख्ती से रोकते हुए सही मार्ग पर भेज दिया गया। इस दौरान कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई, कोई पत्थरबाजी या कोई बल प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अगर ऐसा कुछ है तो वो कोई खुराफाती तत्व हैं जो इलाके की शांति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और उन्होंने ऐसा किया। हमारे यहाँ ना तो कहीं कहीं पत्थरबाजी हुई है और ना ही कहीं कोई बल प्रयोग। मेरे बिल्कुल यही लोगों से अपील है कि वो बिल्कुल शांति से रहें, उनका जो अपना त्यौहार है उसको शांति से मनाएं और किसी भी अफवाह पे बिल्कुल ध्यान न दें, इससे दिग्भ्रमित न हो। भीलवाड़ा में शुरू हुई धार्मिक उन्माद की आग 12 तक पहुंच गई, लेकिन पुलिस की सजगता और तत्परता ने हालात पर जल्द काबू पा लिया। उम्मीद है कि 12 में शांति का माहौल कायम रहेगा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए 12 से विपिन तिवारी की रिपोर्ट। और इधर शाहपुरा जिले के जहाजपुर में शनिवार को शोभा यात्रा पर पथराव के बाद भड़का माहौल अब शांत हो गया है। और पुलिस अधिकारियों और विधायक गोपी चंद मीणा ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। ये रिपोर्ट देखिए। शाहपुरा में शांति, किसने फैलाई अशांति? धरना प्रदर्शन खत्म, मांगों पर बनी सहमति। अधिकारियों की अपील, अफवाह से बचें। उपद्रव करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। जल झूलनी एकादशी पर जहाजपुर कस्बे में निकाली जा रही शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी के बाद शुरू हुआ धरना प्रदर्शन अब खत्म हो चुका है। शहर में शांति का माहौल है, प्रशासन ने सभी मांगे मान ली हैं। इसके बाद सबसे प्रमुख मांगों में से एक, अतिक्रमण और अवैध कब्जे पर कार्रवाई पर तुरंत एक्शन लिया गया। विधायक गोपी चंद मीणा ने नगर पालिका प्रशासन के साथ मिलकर रातों रात इस कार्रवाई को अंजाम दिया और अतिक्रमण और अवैध कब्जे पर पीला पंजा चला दिया। आजपुर में जल जुलनी का जो जुलूस निकल रहा था उस पर पत्थरबाजी की गई थी। दो दिन से धरना चल रहा था पर वो धरना समाप्त हो चुका है। कई शर्तें रखी गई थी, एक महत्वपूर्ण शर्त रखी गई थी, जो अवैध कब्जे हैं, अवैध कैबिने हैं, अवैध अतिक्रमण है, उस पर कार्रवाई की जाए। देखिए जेसीबी यहाँ पर चल रही है, पीला पंजा चलाया जा रहा है, जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। रातों रात ये कार्रवाई की जा रही है, पूरा ध्वस्त किया जा रहा है अतिक्रमण को। जो प्रशासन ने मांगे मानी थी उसमें एक मांग ये भी थी, कहीं ना कहीं इसको देखते हुए ये मांग पूरी की गई है और लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि लगातार अवैध कब्जे और अतिक्रमण पर कार्रवाई होती रहेगी और उपद्रव फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये धरना समाप्त किया गया, क्या क्या शर्तें आपकी थी जो कलेक्टर और एसपी ने मानी? हमारी जो प्रमुख शर्तें थी वो सारी शर्तें मान ली। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने हमारी सारी बातें मान ली है और बुलडोजर जहाजपुर में चलेगा, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान बुलडोजर चलेगा, जहाँ जितनी भी
अवैध अतिक्रमण जयदू का इनका वो सारा अवैध अतिक्रमण हटाएंगे नगर पालिका प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के आदेशानुसार अभी बुलडोजर चलाया जाएगा और जो हमारी जैसा प्रमुख मांगे जो हम लगातार हो रहे हैं सारी बातें मान ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर राजेंद्र शेखावत और एसपी राजेश कावट खुद घटना स्थल पर पहुंचे थे और लगातार विधायक गोपी चंद मीणा हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और पुलिस प्रशासन में वार्ता का दौर चलता रहा। कई दौर की वार्ताओं के बाद विधायक गोपी चंद ने प्रशासन की तरफ से सभी मांगे मानने के बाद धरना खत्म करने की घोषणा की। प्रमुख मांग थी कि हमारे हिंदू समाज का इन्होंने अपमान किया और हमारे बेहद को रोका, धर्म हमारे धर्म आस्था को ठेस पहुंचाई, तो हमारे युवाओं ने हिंदू संगठन ने सोच लिया कि हमारे साथ किया तो हम भी उनके साथ बराबर जाकर नहीं निकलने देंगे। लेकिन आज जनता हिंदू समाज के आशीर्वाद से प्रशासन झुक गया और मुख्यमंत्री निर्देश में कल उनका निरस्त कर दिया गया, कैंसिल कर दिया, कल उनका बयान नहीं निकलेगा। इस दौरान गोपी चंद मीणा के साथ युवाओं ने रात में ही कस्बे में एक भव्य जुलूस भी निकाला और नगर पालिका में बने गणेश पंडाल में पहुंचकर समाप्त हुआ। फिलहाल अब शहर में शांति का माहौल है और अधिकारियों ने उपद्रव करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए शाहपुरा से राहुल कौशिक की रिपोर्ट।